हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट वो भी पढ़े थे 2.2 का, लेकिन वो फर्स्ट पार्ट था। आज हम लोग पूरा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देंगे 2.2 एक्सरसाइज का। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन की जो डिवीजन बताई थी कैसे बताई थी। हमने बताया था कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन इम्पर्टी सेट ए टू नॉन इम्पर्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। कह रहा है कि हमने ये बताया था कि जो रिलेशन होता है वो क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का, अगर कोई रिलेशन ए और बी में निकालना है तो वो जो होगा रिलेशन जो आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का सबसेट होगा, वही रिलेशन होता है, सबसेट होगा तभी रिलेशन माना जाएगा वो, ठीक है। तो हमने पिछली का उस दिन भी यही एग्जांपल दिया था, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू क्या है 4 5 6, दो सेट है। मैंने कहा कि एक रिलेशन है, मैंने अपनी तरफ से एक रिलेशन माना कहाँ ए से बी में, तो आर वन की वैल्यू हमने डिफाइन किया, जो रिलेशन आर वन उसकी वैल्यू डिफाइन किया है। आर वन इक्वल टू क्या है कार्टेशियन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, मतलब वाई की वैल्यू जो है एक्स से तीन ज़्यादा है, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो अब देखिए x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू कितना है सेट x बिलोंग्स टू a, तो 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, 1 4 आएगा रिलेशन। x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 प्लस 3 कितने का 5, 2 और 5 आएगा। x की वैल्यू 3 जब रखते हैं इसमें, ये x की वैल्यू 3, देखिए x बिलोंग्स टू a है ना, तो 3 रखेंगे, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, वाई इक्वल टू। तो ये सेट ये हमने निकाला भी था उस दिन, आज फिर से निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर आ रही है, क्या है नोट याद रखिएगा कि सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर। कह रहे हैं कि ऑर्डर पेयर का जो सेकंड दूसरा वाला एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट का इमेज कराता है, मतलब कि वन की जो इमेज होगी वो फोर इज द वन की इमेज जो होगी क्या होगी फोर होगी, या फोर इज द इमेज ऑफ वन। फोर किसकी इमेज है, वन की इमेज है, वन की इमेज क्या है फोर है, या फोर इमेज है वो किसकी वन की, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट इमेज कहलाता है किसका, वन का। देखिए सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, याद रखिएगा। अब देखिए पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, तो वन क्या कहलाएगा, वन इज द प्री इमेज ऑफ फोर, वन जो होगा इसका प्री इमेज होगा फोर का, प्री इमेज फोर जो होगा इमेज होगा किसका वन का, लेकिन वन जो होगा फोर का क्या होगा प्री इमेज होगा, प्री इमेज याद रखिएगा। तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट कहलाता है वो इमेज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट का, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट का क्या होता है प्री इमेज होता है, हमने ये बताया प्री इमेज, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें दो तीन पॉइंट बहुत वो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम लेवल पर किसी भी एग्ज़ाम लेवल पर कंपटीशन कोई भी दीजिए ज़रूर पूछा जाता है, डोमेन रेंज कोडोमेन ये तीन पॉइंट पूछा जाता है। डोमेन क्या है देखिए समझिए इसको, इन ए रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। कह रहा है कि ऑर्डर रिलेशन अगर कोई निकाल लिए आप हैं तो उसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑर्डर पेयर का हर एक एलिमेंट पहला जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो आएगा वो रेंज वो क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा, याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर का रिलेशन में ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। देखिए रिलेशन मेरा क्या निकल कर आया था 1 4, ऑर्डर पेयर 1 4 था, 2 4 था और 3 4, तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट 3 है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर वन का डोमेन जो होगा पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का सब में, जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो रेंज कहलाएगा 1 2 3 कहलाएगा 1 2 3, क्लियर है। तो याद रखिएगा जहन में इसको भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है कि डोमेन किसको कहते हैं, तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, ठीक है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट किसका ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जो रेंज में जो रिलेशन में रेंज का जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका रेंज कहलाएगा। ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है उसमें जो सेकंड एलिमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है रेंज कहलाता है। देखिए अब देखिए इसमें दूसरा एलिमेंट कौन कौन है, ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट क्या है 4 है, इसमें कौन सा 5 है, इसमें कौन सा 6 है, रिलेशन में याद करना है रिलेशन में, ठीक है। तो 4 5 6 रेंज ऑफ रिलेशन आर वन का क्या होगा 4 5 6, ठीक क्लियर है।
अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब तीसरा एक पॉइंट ऑफ कोडोमेन, द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। जब आप रिलेशन निकालेंगे, हमने कल ही रिलेशन की बात की थी, जब रिलेशन का मतलब होता है संबंध, संबंध की जब भी हम डिफाइन करेंगे, संबंध रिलेशन डिफाइन करेंगे तो कम से कम दो सेट लेते हैं, कम से कम दो सेट लेते हैं। तो अब जो दूसरा जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। जैसे इसमें एक सेट ए है, एक सेट ए एक सेट बी है, सेट बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। आप सोच लीजिए, समझिए, रेंज और क्या नाम है डोमेन निकालने के लिए आपको रिलेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए। रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, रिलेशन का जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कोड रेंज कहलाता है। लेकिन सेट का जो दूसरा सेट होता है, जो सेट हम डिफाइन करते हैं, दो सेट डिफाइन करते हैं, उसमें जो दूसरा सेट होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कोडोमेन कहलाएंगे। तो सेट बी के जो एलिमेंट कौन कौन है, 4, 5, 6, दूसरा सेट कौन सा है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 का क्या हुआ, कोडोमेन का। आप समझिए यहाँ पर एक रिलेशन मिल कर रहा है। देखिए रेंज के एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6, रेंज में क्या है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है सेट बी का होता है कि नहीं, सेकेंड सेट का होता है। लेकिन हो सकता है रिलेशन में सभी के सभी एलिमेंट ना आए, सभी के सभी एलिमेंट ना आए, लेकिन जो कोडोमेन रेंज जब हम निकालेंगे हो सकता है इसमें सभी के सभी एलिमेंट नहीं आए। हमने कल एक एग्जांपल देखा था कि कैसे हमने रिलेशन जब निकाला था, हम दिखा दे रहे हैं अभी। जैसे हमने यहाँ पर निकाल लेते क्या, 1, 5, 2, 6 और 3, 7। देखिए y इक्वल टू x प्लस 4 था, तो हमने 2, 3, 7 को नहीं लिया क्योंकि 3, 7 इस सेट में नहीं था, जो b वाला सेट था इसमें 4, 5, 6 था, 7 नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो अब देखिए हमने कहा था कि किस किस जो रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट आता है 5, 6 आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है उसमें डोमेन में जो डोमेन के सभी एलिमेंट आएंगे, डोमेन को डोमेन के सभी एलिमेंट आएंगे, ज़रूरी नहीं है को डोमेन के सभी एलिमेंट उसमें डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आगे, रेंज जो होता है वो को डोमेन का क्या होता है, सबसेट। को डोमेन के सभी एलिमेंट नहीं, रेंज के सभी एलिमेंट को डोमेन होंगे, रेंज के सभी एलिमेंट को डोमेन में ज़रूर होंगे। या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं या तो सबसेट हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, या तो सभी होंगे या तो इक्वल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए दोनों सेट देखिए ऊपर इक्वल आ रहा है, देखिए 4, 5, 6, यहाँ पर वो सेट इक्वल आ रहा है, लेकिन सबसेट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, रेंज के सभी एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे, ठीक है। तो इक्वल भी हो सकता है दोनों सेट आपस में बराबर हो जाए तो इक्वल सेट हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होते हैं तो सभी एलिमेंट मिलेंगे उसके, कुछ एलिमेंट ज़रूर मिलेंगे उसमें, तो इसलिए वो सबसेट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अब ये हमारे पास आएगा एक एरो डायग्राम से बनाना है। एरो डायग्राम क्या होता है कि हमने दो सेट लिया, 1, 3, 1, 1, 2, 3 और 4, 5, 6। एरो डायग्राम से कैसे रिलेशन को दिखाते हैं, हमने 2-3 रिलेशन दिखाया। जैसे अगर इसको रिलेशन, इसमें कुछ कंडीशन हम दिखा रहे हैं, जैसे 1 का 4th रिलेशन, 1 का 5th रिलेशन, 1 का 6th रिलेशन, ठीक है, 2 का 4th रिलेशन, 2 का 5th रिलेशन, 2 का 6th रिलेशन, 2 का 6th रिलेशन, 3 का 4th रिलेशन, 3 का 5th रिलेशन, 3, 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
वन का फोर्थ रिलेशन, वन का टू से फाइव रिलेशन, थ्री का फाइव सिक्स रिलेशन। अब जैसे वन का फाइव रिलेशन, थ्री का सिक्स, टू का सिक्स रिलेशन। तो ये एरो डायग्राम में कोई ऐसे ही मतलब कोई डायग्राम बनाकर दिखा दीजिए एरो लगाकर, तो वो एरो डायग्राम किसी भी रिलेशन को हम चाहे ट्यूबलर फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, चाहे एरो डायग्राम बना कर लिखिए रिलेशन को, तब भी आपका रिजल्ट सही वही सेम आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल हमने अधूरा लिखा है लेकिन हम इसको समझा देते हैं। इफ़ सेट ए इजिकल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सेट ए इजिकल टू वन टू थ्री, और रिलेशन दिया हुआ ए से ए में, और रिलेशन की जो कैसे डिफाइन है, एक्स इजिकल टू आर इजिकल टू, क्या रिलेशन दिया हुआ है आर इजिकल टू एक्स वाई, और वाई इजिकल टू क्या है एक्स से हमेशा एक ज़्यादा है, वाई की वैल्यू एक्स से हमेशा ज़्यादा है, क्या रिलेशन दिखाइए। तो रिलेशन कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा क्या क्या पूछा है, रिलेशन को आप वन उससे दिखाइए, एरो डायग्राम से दिखाइए, रिलेशन को सेट ट्यूबलर फॉर्म में दिखाइए, ठीक है, रिलेशन और फिर डोमेन रेंज और कोडोमेन निकालिए, इतनी चीज़ निकालना है। तो पहले हम एरो डायग्राम से निकालना है, एरो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमेशा वाई से, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो होगी हमेशा एक्स से एक बड़ी,
ये एक्स होगा सेट ए के एलिमेंट। देखिए पहला एलिमेंट जो एक्स में होता है, दूसरा एलिमेंट इसमें होता है, ये वाई होगा। क्लियर है, वाई के एलिमेंट इसमें होंगे, एक्स ही होंगे। अब एक्स जो वाई की वैल्यू होगी हमेशा एक्स से बड़ी, तो ये आएगा वन का रिलेशन टू से के साथ। देखिए वाई के एलिमेंट, वाई की वैल्यू जो एक्स से एक बड़ी है कि नहीं, टू का थ्री के साथ आएगा रिलेशन, एरो डाइग्राम के साथ। क्लियर है, ठीक। थ्री का किसके साथ आएगा, फोर के साथ। फोर का किसके साथ, फाइव के साथ। फाइव का किसके साथ, सिक्स के साथ। ठीक है, ये हो गया बस। सिक्स का अब सेवन के साथ नहीं, सेवन इसमें नहीं है। देखिए अगर एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, वन प्लस वन कितना होगा टू, तो वाई की वैल्यू टू आएगी, तो वन का रिलेशन टू के साथ। एक्स की वैल्यू टू रखो, टू प्लस वन कितना का थ्री, टू का वैल्यू थ्री के साथ। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे रिलेशन आएगा। तो ये मेरा कौन सा आ गया, एरो डायग्राम से। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ था, क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट है। अब कह रहे इसको टिबुलर फॉर्म में लिखना है जो, तो वन का रिलेशन किसके साथ था, टू के साथ होगा। वन का रिलेशन क्योंकि वाई इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन और जो हमारा सेट दिया हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यही दिया हुआ है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो वन रखेंगे तो वन प्लस वन कितना होगा टू, वन का रिलेशन टू के साथ। टू रखेंगे, टू प्लस वन कितना थ्री, टू के साथ का रिलेशन थ्री के साथ। थ्री रखेंगे, थ्री का एक ज़्यादा रहेगा, थ्री का फोर के साथ, फोर का फाइव के साथ, फाइव के सिक्स का। अब डोमेन पूछा है, हमने डोमेन की डिफिनेशन बताया है कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होता है, देखिए समझिए क्या बात, रिलेशन बोल रहे हैं तो रिलेशन मैंने ये निकाला, उसमें पहला एलिमेंट कौन ऑर्डर पेयर का, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव। रेंज क्या होता है, रिलेशन में जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो रेंज होता है। तो सेकेंड एलिमेंट कौन है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया कोडोमेन। अब कोडोमेन हमने बताया था जो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट जो होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। सेकंड सेट कौन कौन है भाई, सेकंड सेट क्या है, मेरा पहला सेट क्या है, ए है, दूसरा सेट बी है, ए से बी में, ए से ए ही में है, तो ये भी यही पहला भी हो गया, ये दूसरा भी हो गया। ठीक है, सेकंड सेट का वैल्यू क्या आएगी, वन से लेकर सिक्स तक आएगी, तो कोडोमेन जो होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आएगा। तो आप आई होप कि आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन फिर समझ लीजिए। डोमेन उसको कहते हैं जो ऑर्डर, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। रेंज उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर में, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होगा उसका सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज कहलाता है। कोडोमेन उसको कहते हैं द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इस कॉल्ड, जो पूरा दो सेट दिया रहेगा, रिलेशन में दो सेट दिया होता है, ठीक, कम से कम जो सेकंड सेट होगा वो क्या होगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में और आपके पेपर में पूछा जाता है, जब आप बोर्ड का पेपर, तो बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बोर्ड के पेपर में क्या होता है, ऑप्शन में पूछा जाता है, जो ऑप्शन वाला सब्जेक्ट आता है ये एक नंबर में पूछ दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे। देखिए अगर दो सेट दिया हुआ है, उसमें सेट ए में क्या है, कितने एलिमेंट पी एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट क्यू एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं सेट ए टू सेट बी का, तो क्या होगा, टू की पावर पी इंटू क्यू, टू की पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, अभी ये कैसे आया, अभी हम इसको समझा देते हैं कैसे टू की पावर पी इंटू क्यू आया, अभी हम बता रहे हैं, समझिए पहले बात को। जैसे पहले एग्जांपल समझ लीजिए कि ए इज इक्वल टू टू वन टू और बी इज इक्वल टू थ्री, कह रहा है कि फाइनल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट, टू एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टू की पावर पी इंटू क्यू, ये पी हो गया, क्यू होगा टू इंटू टू कितना होगा फोर, टू की पावर फोर मतलब सिक्सटीन, टू की पावर फोर मतलब सिक्सटीन, ये आ गया। अब ये कैसे आया टू की पावर पी इंटू के, हमने कल बताया था जो रिलेशन होता है आर जो होता है इधर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्लियर है कि नहीं, हमने कल बताया था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अगर ए में ए पी एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट हैं, क्यू एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा पी इंटू क्यू होगा, क्लियर है, पी इंटू क्यू। अब इसमें अब इसका सबसेट होगा, तो जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे टू की पावर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, अब नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, तो हम नंबर ऑफ सबसेट निकालने के बाद फार्मूला पर टू की पावर एम होता है, यहाँ पर पी इसका सबसेट कितना, एक रास बी का सबसेट कितना बनेगा, तो टू की पावर पी इंटू की बनेगा, टू की पावर पी इंटू, फिर समझ लीजिए हम
मैंने कल पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो एक रास जो अगर कोई दो सबसेट है ए और बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो वो होता है क्या नाम है, नंबर ऑफ सब वो निकालते हैं हम, एलिमेंट निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे वो निकालते हैं। तो अगर सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर निकालते हैं पी इंटू क्यू निकालते हैं। अब ये जो आर इसका सबसेट होगा, अब इसका टोटल ए क्रॉस बी का सबसेट कितना होगा, तो सबसेट निकालने का 2 की पावर m होता है। तो ये इसके ए इंटू बी में कितने एलिमेंट हैं, पी इंटू क्यू, इसका सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर p इंटू q हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे समझना है कि कोई समझाएगा नहीं जल्दी ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये कैसे आया हमने बता दिया कैसे आया। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, और जो चीज़ समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो चैनल पे हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।